अरे बस तूने कपड़े गंदे कर दिए यार। तो गाइस देख सकते हो रॉक्सी का बेबी बढ़िया लग रहा है। थाई जंपुर भरे जल्दी। ओहो फोन दिया। चल भाई। हाय गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज सुबह सुबह आया था रनिंग करने, तो सोचा क्यों ना व्लॉग भी शूट कर लूँ। रनिंग कर लिया है अभी। अभी मैं पार्क के अंदर आया हूँ थोड़ा वॉक करने, ऐसे ही है ना। ठंड देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। फर्स्ट टाइम इतने दिन निकल गए ठंड के, और मैंने कैप आज लगाई है, और काफ़ी टाइम से व्लॉग भी नहीं आ रहे थे, तो उसके लिए सॉरी पहले। एंड अभी सोच रहा हूँ थोड़ा कंटिन्यू व्लॉग करूँ, है ना। वैसे मैं ये चीज़ हर व्लॉग में कहता हूँ बट हो नहीं पाता, कोई नहीं इस बार ट्राई करेंगे। एंड हैप्पी न्यू ईयर पहले तो। मेरा हैप्पी न्यू ईयर आपसे 8 दिन बाद हो रहा है, बिकॉज आज 9 तारीख है, मेरे को याद नहीं है कितनी है ना। तो कैसा लग रहा हूँ काफ़ी टाइम बाद, और मेरे बाल भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, है ना। तो चलो पहले तो मैं थोड़ा पार्क दिखाता हूँ, है ना, उसके बाद अपन लोग बात करते हैं और भी, और जो जो कुछ होएगा आज सब दिखाऊंगा आपको, है ना। तो चलो। अरे बस तूने कपड़े गंदे कर दिए यार। तो गाइस देख सकते हो रॉक्सी का बेबी मिला है अपने को, सबसे बड़ा वाला। अरे हो गया यार। इसे पकड़िए एक बार। सुल्तान मेरा जान। अब्दू कहता भाई काफी ज्यादा बड़ा हो गया। नहीं और हो गए 7 महीने ना, 7 महीने हो गए। तो गाइस 7 मंथ हो चुके इस बेबी को, और देख सकते हो कितना एक्टिव है। एक्टिव फुल एक्टिव सुल्तान। अरे हो गया यार। नाखून मार दिए इसने मेरे। मैं तुझे पता पहले ना रॉक्सी भी ला रहा था, फिर मैं लाया नहीं। नहीं यार गली में वो कुत्ता है ना उधर, वो आता है काटने के लिए, मेरे को फिर अच्छा नहीं लगता, लड़ाई होती है। सुल्तान आजा आजा। कैसा भाग रहा है? तो गाइस देख लो ये भागा मेरे पीछे से निकल के। इस भाई को दिया है मैंने अपना रॉक्सी का पिल्ला। सुल्तान क्या हो गया? पकड़ चलो बोला गया। सो गाइस तुम देख सकते हो एकदम बढ़िया लगा। ये रॉक्सी का सबसे बड़ा वाला बेबी है जो मतलब सबसे पहले हुआ था, है ना। और काफी ज्यादा मतलब भाग रहा देख लो। तो अभी गाइस रॉक्सी का बेबी जा चुका है सुल्तान, उसका नाम सुल्तान है। और अभी वो थोड़ी हाइट पकड़ रहा है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब कमज़ोर लग रहा होगा आपको, बट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है वो, है ना। और अभी तुमको दिख रहा होगा पार्क में कोई नहीं आ रखा है। अब 8 बज चुके हैं एंड मैं ऐसे ही टहल रहा हूँ यहाँ पर। सो काफ़ी ज़्यादा मतलब खाली खाली हुआ पड़ा है पार्क। और यहीं अगर मैं शाम को आ जाऊँ ना पार्क में, तो भाई साहब पूछो मत, ये पूरा एरिया क्राउड से भरा रहता, बहुत सारे लोग रहते, बहुत सारे बच्चे, समझ रहे हो, पूरा फुल एकदम। एंड मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं मतलब ये ना मैं जब छोटा था जब से है पार्क, बट अभी ये कुछ कुछ झूले हैं जो नए लगे हैं, है ना। और मैं तुम्हें दिखाता हूँ, है ना, रुको, मैं किन किन में मतलब खेलता था पहले बचपन में। चलो तुम्हें लेके चलता हूँ एक बार। तो गाइस तुम्हें दिख रहा होगा ये, है ना, इसमें पूरी मतलब ऐसे ना, ये जो तुम्हें दिख रहा है ये पूरा ऐसे चादर से कवर रहता था, मतलब लोहे की चादर थी, पूरा बंद रहता था। हम इसके अंदर बैठ जाते थे जब बारिश वारिश पड़ती थी ना। एक ये था, है ना, अब इसकी पता नहीं चादर वादर ले गए होंगे चोर चार, तो अभी खाली पड़ रहता है, इसमें कुछ नहीं कर पाते बच्चे। एंड एक टनल दिखाता हूँ मैं तुमको, है ना, ये वाली देख रहे हो। और इसमें भी जब बारिश वारिश होती थी, ये तो काफ़ी पता नहीं मैं ज़्यादा बड़ा हो गया या ये थोड़ी मट्टी वट्टी से दब चुका है। पहले ये काफ़ी ज़्यादा नीचे था, मतलब इसमें चढ़ के जाते थे ऊपर को, अगर देख लो मट्टी वट्टी सब बराबर हो चुकी है।
तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मज़ा आता था। इसके ऊपर से हम कूदते थे एकदम। और ये कुछ कुछ झूले ये देखो ये तोड़ दिए यहाँ के लोगों ने। ये भी ये गोल घूमने वाला है, ये भी कोई काम का नहीं रहा। यही है बस थोड़ा बहुत यहाँ पर अब, और कुछ नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें थी पहले, अब कुछ नहीं बचा। ऐसा ही है सब। और गाइस ये भी, और तुम ये देख रहे होंगे यहाँ पर जो है ये पूरा मतलब इधर पानी स्टोर होता था, पूरा मतलब भरा जाता था। और मस्त इसमें पहले ना काफ़ी टाइम पहले मतलब छोटा था तो यहाँ पर ना नाव रहती थी दो, जो पैंडल वाली होती है ना वो। अब तो काफ़ी ज़्यादा कचरा है, अब इसमें पानी नहीं रहता। पर अब इसमें सिर्फ पानी छठ पूजा टाइम या मतलब कुछ भी हो गया तो उसी टाइम भरा जाता है, पूरा साफ वाफ करके, उससे पहले नहीं भरा जाता यहाँ पर कुछ भी अब। तो गाइस यही थी पार्क की कुछ चीज़ें जो मेरे को मतलब अच्छी लगती है यहाँ पर, है ना, और काफ़ी टाइम पहले से भी है। सो मज़ा आया। अब मेरे को जिम भी जाना है, मतलब मैं अभी दो टाइम जिम जा रहा हूँ। शाम को जाता हूँ अपनी एक्सरसाइज करने, मॉर्निंग में जाता हूँ वेट लूज मतलब नॉर्मली कार्डियो करने, है ना। गुरुजी है उनसे थोड़ी पेट वेट की एक्सरसाइज करवा लेता हूँ थोड़ी ऐप्स ऐप्स की, क्योंकि पेट यार काफ़ी ज़्यादा आ चुका है। मतलब उतना भी नहीं बट अच्छा नहीं लगता ना अपने कोई, तो वही है। अभी चलते हैं घर, है ना, रनिंग करते हुए जाएंगे। तो चलो एंड तुम्हें अभी डायरेक्ट जिम में मिलते हैं, है ना। चल अभी तू जा, मैं सब्सक्राइबर्स को बाद में बताऊंगा कहानी, है ना। तू पहुंच अभी, ये पकड़ अपना फोन दिया मेरा। ओहो फोन दिया, चल भाई। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ सीन क्या हुआ, मतलब मेरे साथ नहीं पायल के साथ, है ना। हुआ कुछ यूँ कि मैं जैसे मतलब पार्क से जिम पहुँचा, हल्का फुल्का मतलब साइकिलिंग कर ही रहा था, तभी पायल का मेरे पास कॉल आता है और वो डायरेक्ट कहती है, कहती कहाँ है। मन के क्या हो गया ये बता। कहती है यार मैं यहाँ पर बस स्टैंड पर खड़ी हूँ बेस्ट्री के, और एक घंटा हो गया मतलब वेट करते हुए बस नहीं आई, तो एक काम कर मेरे को कॉलेज के लिए हो रहा है लेट, है ना। तो उसको कॉलेज के लेट हो रहा था तो मैं जिम करते करते उसको फोन किया, तो मेरे को लेने आई है वो करके, हमारे जल्दी से स्कूटी निकाली उसको लेने गया बेचारी। उसके साथ यही सीन है, मतलब नींद नहीं भी आज तो उसे एक घंटा वेट करना पड़ा, और दिन वो कम से कम नहीं भी तो आधा घंटा ऐसे मतलब वेट करती है बस के लिए। कभी कभार उसकी बस ही नहीं आती, फिर उसे ऐसे लेने जाना पड़ता है। तो अभी उसको कॉलेज के लिए भी लेट हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको लेके आ जाता हूँ, तो लेके आया। एंड अब एक चीज़ और करी, तो इधर मेट्रो थोड़ा नियर बाय है ना अपने घर के पास सेक्टर 62, तो उधर से ही अब उसको बेचारी को मेट्रो से जाना पड़ेगा। बताओ सुबह सुबह एक तो ठंड में उसका तैयार होकर पहुँची, ऊपर से उसको बस भी नहीं मिली, फिर दोबारा लौट के घर की तरफ आना पड़ा, फिर घर से दोबारा अब जाना पड़ा उसको सेक्टर 62। समझ रहे हो तुम? Like the attention, girl, I know you. Know you. तो गाइस तुम देख रहे होंगे इधर ये अपना, तो यहाँ पर आज बच्चों का एग्जाम है एंड काफी ज्यादा बच्चे मतलब यहाँ पर पेपर देने आए हुए हैं, ये रहे सब लोग। और इस भाई का बिजनेस सही चल रहा है, ये होता भाई दिमाग देख रहे हो, सही है एकदम। अंकल मस्त स्कूटी और फोटो कॉपी मशीन लैपटॉप वैपटॉप लेकर आया अपना, और बढ़िया। तो गाइस अभी घर पहुंच चुका हूं, एंड ये मेरी रॉक्सी। क्या हुआ क्या हुआ बाबू रोका? ये महारानी अभी अंदर बिस्तर से निकल के आई है और इसमें सूंघ रही है मेरे को, पूरा स्मेल ले रही है। इसका बेबी मिला था ना, कहीं से भी आता हूँ अगर मेरे को कोई भी डॉग मिलता है मतलब मेरे पास आ जाता है तो उसमें स्मेल हो जाती है ना, तो ये देख रहे हो सूंघ रही है अभी कि कहाँ से आया है, किससे मिल गया है। और यही सीन अगर सपोज करो कोई आदमी है ना, अगर वो
किसी औरत से या किसी लड़की के साथ, मतलब बाहर से मिल के आ रहा है, कुछ भी करके आ रहा है, और अगर उसकी वाइफ इसी तरीके से अगर पूजा से घर में एंट्री करे, उसकी बॉडी से स्मेल आ जाए, भाई साहब डेली का कलेश रहेगा उसके घर में, डेली का। जैसे रॉकी स्मेल करके पता कर लेती है ना, ऐसी डेली का कलेश रह करेगा उसके घर में। तो अभी मैं अपने कॉर्नफ्लैक्स और दूध दूध थोड़ा खा पी के फिर मिलता हूँ आपसे, ठीक है? और लाइक करते रहो, व्लॉग आते रहेंगे अब। चलो, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर गाइस, तुम देख सकते हो बाल मेरे कितने बढ़ चुके हैं ना, देख रहे हो। और मैं तुम्हें बता दूं, अभी फिलहाल मैं सो के उठ रहा हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मैं आज कुछ ज़्यादा जल्दी उठ चुका था, है ना, वॉक करने के चक्कर में। रोज़ मैं 12 बजे के समथिंग, ऐसे 1 बजे के समथिंग सो के उठता हूँ आराम से, पूरी नींद मार के। और वही मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया था मोस्टली, उसके बाद मैं बुआ के वहाँ गया था कमेटी देने अपनी, एंड अब मैं जा रहा हूँ छत पे, मतलब बुआ के आने के बाद वहाँ से सो गया था। अब मैं उठाऊँ डस्ट, और अब मम्मी बना रही है लड्डू, और मेरे को बोला घी लेके आओ ऊपर, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैंने, मेरा हाथ जल गया, मतलब बच गया, घी मेरे ऊपर गिरने से बच गया, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। तो गाइज, ये है घर में बना हुआ देसी घी, एंड काफ़ी ज़्यादा गर्म है। अब मेरे को इसको लेके जाना है, बस मैं जलना, अभी मैं बच गया, पता है, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो चलो पहले इसे ऊपर लेके चलते हैं। तो अभी गाइज, मम्मी का नाटक चल चुका है, एंड ये जो डब्बा है ना, जब भाई अब से कम 4 से 5 साल पहले मतलब जिम करता था, जब भाई ने फर्स्ट टाइम लिया था, बड़े वाले भाई ने, और तुम देख रहे हो घी। अब इसमें मम्मी ने मतलब सामग्री सारी बना के रखी हुई है। अब इधर प्रात है, और इसमें हम लड्डू बनाएंगे। रॉक्सी, मम्मी ने थोड़े बहुत लड्डू पहले बना लिए थे, उस दिन मतलब घी ख़त्म हो गया था, तो घी दोबारा लाके मेल्ट किया है, अब बनाते हो तुमको दिखाते हैं, है ना। चलो, और तुम्हें पेड़ दिखाऊं, ये देखो, ये देख रहे हो, तो गाइस अब अपने लड्डू बनने स्टार्ट हो चुके हैं। गोंद के लड्डू बना रही है मम्मी, ये ज़्यादातर मतलब हरियाणा साइड है ना, राजस्थान साइड, इस साइड ही मतलब बनाते हैं। तो इधर एक आंटी रहती थी हमारे पास में पहले, तो उन्होंने बताए थे, तो मम्मी हर साल मतलब ठंड के टाइम में बनाती है लड्डू, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, तो तुम्हें दिखाता हूँ अब। तो गाइस, ये रे, इसमें रख रखा था मम्मी ने बना के, घी ख़त्म हुआ था उस टाइम पे। अब मम्मी धूप मार के बना रही है बढ़िया, पागलपंती क्या है इसमें, अच्छी बात है दिखाना है। बताओ, कह रही है पागलपंती ऐसे काम कर रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाई है मम्मी ने, बादाम हो गया, और क्या मम्मी, बूरा और मखाने, काजू, किशमिश और मखाने, गोंद, पता नहीं, आटे को भून के ऐसे करके, जब जाके मतलब बढ़िया तैयार है ये। अरे क्या ढूंढ रही है, देख मक्खी खा गई पागल। नारियल भी बनाया मम्मी ने, और उसके बाद ये देसी घी, लो अब इस तरीके से इसे मिक्स करते रहो, समझ रहे हो, बस ऐसे ही। अब बहुत बाद में फिर ये लड्डू के तौर पे एक बन जाएंगे, वो भी दिखाऊंगा तुम्हें अभी। तो गाइस, तुम देख रहे होंगे लड्डू ने अपना आकार लेना स्टार्ट कर दिया। ओह, गर्म हो रहा है, तो देख रहे हो बढ़िया लग रहा है। थाई जमपुर भरे जल्दम खींची फोटो, हाँ फोटो तो जब खींच लेंगे, बनाते हुए तो दिखाऊं। ऐसे करिए जैसे बेसन का लड्डू बनाते हैं, ऐसे ऐसे, ये देख रहे हो गाइस, इतने बड़े बड़े बन रहे हैं, सही हो रहे हैं। मम्मी कैसी लग रही है कमेंट में बताओ। तो गाइस देख लो, बन चुके थाल भर के लड्डू, एंड अगर किसी को खाने हैं तो वो कमेंट में कमेंट कर सकता है, एंड कभी मेरे से मिलना आएगा
नेक्स्ट विंटर पे, तो मैं उसको मतलब मम्मी के हाथ के बढ़िया लड्डू खिलवा सकता हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हैं, मैं तो रोज ही खाता हूँ, है ना, इसलिए मेरे को टेस्ट पता है, एक नंबर हो रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, एंड जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अब सोच रहा हूँ डेली ब्लॉगिंग करूँ और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखाऊँ, जिससे आपको भी थोड़ा अच्छा लग रहे, है ना। तो चलो चलते हैं, एंड इस ब्लॉग को भी ढेर सारा प्यार करना, एंड शेयर करना, लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। चलो बाय मम्मी की तरफ से और रॉक्सी की तरफ। रॉक्सी स्पीक, स्पीक। चलो बाय।